नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा ओपल रत्न। मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना है कि ओपल रत्न के अंदर कई सारे रंगों की फायरिंग होने से उसमें 3 या 4 ग्रहों तक का प्रभाव रहता है। ओपल केवल शुक्र का रत्न नहीं है, उसमें चंद्रमा का, बृहस्पति का, रेड फायरिंग वाले में सूर्य का, ग्रीन फायरिंग वाले में बुध का प्रभाव, यानी कि यह सम्मिश्रित प्रभाव देने वाला रत्न है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह शुक्र का ही रत्न है। आज इस विषय में मैं यह कन्फ्यूजन दूर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। हमारा रत्न विज्ञान कलर यानी कि रंगों पर आधारित है। व्हाइट सफायर में शुक्र का प्रभाव माना जाता है, जो येलो सफायर है उसे पुखराज कहते हैं, ब्लू सफायर को नीलम यानी कि उसमें शनि का प्रभाव होता है। तो इसी सिद्धांत को केंद्र में रख कर के कुछ लोगों ने यह थ्योरी देने का प्रयास किया कि शुक्र के अंदर 3 या 4 तरह की फायरिंग होने से उसके अंदर 3 या 4 ग्रहों का सम्मिश्रण प्रभाव रहता है। लेकिन सच्चाई यह है, मूलतः ओपल शुक्र का रत्न है। शुक्र रत्न ग्रह के जो स्वभाव है उसको हमें देखना पड़ेगा। शुक्र चमकीला है, शुक्र के अंदर चमकीला होने के कारण कई प्रकार की किरणें, सतरंगी किरणों का वहाँ पर आना और जाना, उसको दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए ओपल में कई प्रकार की जो फायरिंग है उनके होने से इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर कई सारे ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। ओपल केवल शुक्र का ही रत्न है। साथियों, अब ओपल के विषय में दूसरी बहुत ज़रूरी चर्चा कर लेते हैं। ओपल रत्न जिनका व्यवसाय कपड़े का है, चांदी का है, रत्नों का है, जो लोग दूध या दूध से बने हुए पदार्थ इनका व्यवसाय करते हैं, लग्जरी लाइफ से जुड़े हुए सामान, स्त्रियों का सौंदर्य प्रसाधन या स्त्रियों के संबंध में कोई भी सामान की दुकान आप करते हैं, तो आपको ओपल पहनना चाहिए। ओपल रत्न पहनने से शुगर पर इसका ज़बरदस्त नियंत्रण रहता है। शुगर की बीमारी में यह रत्न बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। साथ ही साथ में जो लोग देवी के बीज मंत्र का जाप करते हैं, जो लोग माँ भगवती परांबा के किसी भी स्वरूप की उपासना करते हैं, उन्हें शुक्र का यह रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों, ओपल वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि एवं लगन वाले जातक एवं जातिकाएं बेफिक्र होकर धारण कर सकते हैं। ओपल हमेशा थोड़ा सा भारी यानी कि ज़्यादा वजन का ही पहनना चाहिए। साथियों, ओपल कम से कम 5, 7, 9, 11 या उससे अधिक रत्ती का धारण करना चाहिए। ओपल रत्न धारण करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। ओपल रत्न शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक कोई भी टाइम आप धारण करें। ओपल को चांदी की अंगूठी में बनवाना चाहिए। यह उंगली में ओपल रत्न धारण किया जाता है। ओपल रत्न को धारण करने से पहले उसको दूध और गंगा जल में डुबो दीजिए और आपको मंत्र जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करके आपको ओपल पहनना चाहिए। गृहस्थ सुख की वृद्धि के लिए, उत्तम वर या वधु की प्राप्ति के लिए और आपकी व्यक्तिगत जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ओपल रत्न पहनना चाहिए। मैं कामना करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।